सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं, सत्य में उजैते। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये जो मुस्कुराहट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने सभी झूठों का सामना करने के बाद सच का चिराग जलाया है, और ये मुस्कुराहट है सच की जीत की। अब आप सबको पता है कि मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन मोहम्मद जुबैर का 24 दिन का जेल वाला जो संघर्ष है उसको याद रखा जाएगा। इस संघर्ष से खुद न्यायपालिका ने सबक लिया है। सुप्रीम अदालत ने महसूस किया कि एक ही मामले में अलग अलग मामले दर्ज कराकर किसी व्यक्ति को जेल से नहीं निकलने देने के लिए बुने जाने वाले जाल को समझना होगा। यही वजह है कि ना सिर्फ यूपी में दर्ज सभी 6 मामलों की जांच दिल्ली पुलिस को इकट्ठे सौंप दी गई है, बल्कि अगर इसी आधार पर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई और केस भी दर्ज होगा तो उसकी भी जांच इकट्ठे ही होगी। मतलब साफ है कि एक ही मामले में अलग अलग मुकदमों के आधार पर मोहम्मद जुबैर या किसी दूसरे व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकेगा। इसके बाद आपको एक बार याद दिला देते हैं आजम खान वाले मामले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक सबक यूपी में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मामले में भी लिया था। सर्वोच्च अदालत ने पाया था कि आजम खान को जेल से बाहर निकलने नहीं दिया जाए, इसके लिए अलग अलग मुकदमे में जमानत मिलते ही कोई और मुकदमा दर्ज करा दिया जाता। आजम खान पर 89 मामले मुकदमे दर्ज कर दिए गए, उनमें से एक भी मामला ऐसा नहीं था जिसमें दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा हो सके। आपको बता दें कि 7 साल की कम सजा वाले मामलों में जमानत देने की प्रैक्टिस अदालत ने बना रखी है, हालांकि इसका भी उल्लंघन देखने को लगातार हमें मिलता रहा है। जुबैर या फिर आजम खान का मामला इस मायने में अलग अलग है कि जुबैर के मामले में एक ही ट्वीट को आपत्तिजनक और सांप्रदायिक बताकर कई मुकदमे दर्ज किए गए थे, जबकि आजम खान के मामले में अलग अलग मुकदमों की गिनती लगातार बढ़ाई जाती रही थी ताकि हर मामले में उन्हें जमानत लेने की नौबत आए और न्यायालय में होने वाली देरी के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़े। अब सवाल यहां पर यह है कि मोहम्मद जुबैर या फिर आजम खान को जेल में रखने की ख्वाहिश किसकी रही है, यह ख्वाहिश पूरी कैसे होने दी जा रही है, क्या पुलिस का बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या खुद अदालतों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। बगैर पुलिस और अदालतों के दुरुपयोग के किसी की ये ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है कि कुछ लोगों को जेल से बाहर आने ही नहीं दिया जाए। अगर ऐसा है तो सुप्रीम अदालत पुलिस और निचली अदालतों को क्यों बख्श दे रही है, क्यों खुद सुप्रीम कोर्ट भी अपनी गलतियों को मानने का खुला ऐलान नहीं करती है। निश्चित रूप से इससे सर्वोच्च न्यायालय की जो गरिमा है वो और ज्यादा बढ़ेगी अगर वो इस पर कार्रवाई करते हैं। दोस्तों ये बात लोगों को चौंकाती है कि जिस नुपुर शर्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देश में आग लगाने वाली या फिर सारी फसाद की जड़ के तौर पर रही, उनकी उस अपील को विचार के लायक नहीं समझा गया कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज मुकदमों को एक साथ सुना जाए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। उसी नुपुर शर्मा की अपील को 19 दिन बाद अदालत मान लेती है। क्या इसकी वजह सिर्फ यही है कि इस दौरान नुपुर शर्मा की जान पर खतरे की आशंका वाली घटनाएं बढ़ गई या फिर कुछ और? सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को इस बात से क्यों नहीं विश्वस्त रहा कि जिस पूर्व बीजेपी यानी फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा के खिलाफ 8 राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बयान को सोशल मीडिया पर फैलाने के कारण हत्याएं हुई, कई घटनाएं हुई और उसकी खुद की जान को खतरा हो सकता है। 19 जुलाई को नुपुर शर्मा को जो राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी वो कई कसौटियों पर वाजिब है। एक महिला के खिलाफ एक ही मामले में कई राज्यों में मुकदमे हो तो उन्हें एक स्थान पर क्यों नहीं सुना जाना चाहिए, ये भी वाजिब है। उसकी जान पर खतरे की आशंका को भी सुप्रीम कोर्ट को समझना ही होगा, भले ही भविष्य में नुपुर शर्मा अपने विवादित बयानों के लिए दोषी ही क्यों ना ठहरा दी जाए, लेकिन सभी की जान की सुरक्षा करना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है। दोस्तों आपको याद होगा कि 19 जुलाई को नुपुर शर्मा और फिर अगले दिन 20 जुलाई को मोहम्मद जुबैर को राहत मिल गई। एक गिरफ्तार नहीं होंगी 10 अगस्त तक और दूसरे को इसी मामले में भविष्य में दोष साबित होने से पहले गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों फैसले काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं। राजनीतिक, धार्मिक या फिर सामाजिक विद्वेष के कारण न्याय
प्रणाली प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने वाले हैं, इनकी तारीफ होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बहुचर्चित सवाल भी ये है कि नुपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बयान देती है और उस बयान के बाद उसकी प्रतिक्रिया में देश भर में हिंसा से लेकर हत्या के रूप में जवाबी प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं, लेकिन नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती है। ये सवाल एक और पूरक सवाल से महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोहम्मद जुबैर के 2018 वाले ट्वीट के कारण कोई हिंसा की वारदात या ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और ना ही होने की आशंका नजर आ रही है। इसके बावजूद मोहम्मद जुबैर को 24 दिन जेल जाना पड़ता है, तो आखिर क्यों नुपुर शर्मा कटघरे से बाहर है? इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों सवाल ही न्यायालय से ज्यादा शासन प्रशासन से पूछे जाने हैं। न्यायालय जरूर इस मामले में शासन प्रशासन को जवाब दे बना सकता है, लेकिन संयोग से दोनों ही मामलों में दिल्ली पुलिस है, लिहाजा दिल्ली पुलिस से पूछा जाना चाहिए कि नुपुर शर्मा को उन्होंने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसी तरह मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करना क्या सही था? जब ये सवाल अदालत की ओर से प्रशासन से नहीं पूछे जाएंगे तो ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी। इन सवालों के जवाब राजनीतिक लोग नहीं दे सकते हैं और ना ही इसमें और कोई जवाब देने के योग्य है। सिर्फ और सिर्फ वही जवाब दे सकता है जिसने इस पूरे मामले में कार्रवाई की हो। तो आजम खान का ये जो पूरा मामला था उसमें किस तरीके से जो रणनीति बनाई गई थी वो सामने है, और मोहम्मद जुबैर के मामले में भी यही सामने है। हालांकि मोहम्मद जुबैर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखा और सख्त जो है संज्ञान जल्द ले लिया कि जुबैर को जल्द ही रिहा कर दिया जाए, और कोर्ट के आदेश के बाद यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया गया और बाकी जो भी FIR है उनको कोलैप करके एक जगह पर दिल्ली पुलिस को जांच के लिए सौंप दिया गया है। दोनों मामलों को लेकर आपकी राय क्या है, और क्या आपको भी यही लगता है कि दिल्ली पुलिस को इन सभी सवालों के जवाब देने चाहिए कि आखिर मोहम्मद जुबैर को एक ट्वीट को लेकर क्यों गिरफ्तार किया गया और नुपुर शर्मा को धार्मिक टिप्पणी करने के बाद भी आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं और नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।